पटना से हमारे साथ रजनीश इस वक्त जुड़ चुके हैं। पटना से क्या खबर है, किस तरीके की वोटिंग आप देख रहे हैं रजनीश, वहां पर तस्वीरें भी दिखाइए, अगर लोगों से बातचीत हो सकती है तो हम वो भी सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए लोग यहाँ पे मतदान देकर आए हैं और सामने में बूथ है और 16 बूथ है यहाँ पे एन कॉलेज का, ये मतदान केंद्र है और बहुत ही महत्वपूर्ण और प्राइम इलाका है ये। छोटी छोटी बातें कर लेते हैं जल्दी से। मतदान कर लिया सबसे पहले? हाँ सर। हाँ, तो बहुत उत्साह है इसको लेकर? बहुत उत्साह था। मतदान कर लिए? बिल्कुल, इस लोकतंत्र के महापर्व का हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया है, मुझे अपार खुशी है और हम धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की, अच्छी व्यवस्था और हर कोई मतदान करे। अपील करते हैं कि अपने दायित्व का निर्वहन करें और ये लोकतंत्र हमारा अमर है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे बूथ जो है वो बने हुए हैं। पटना साहिब काफ़ी हाई प्रोफाइल ये पूरा क्षेत्र है और साथ ही साथ रविशंकर प्रसाद का यहाँ पे मुकाबला सीधे तौर पे कहें, हालांकि कई उम्मीदवार हैं लेकिन कांग्रेस के जो अंशुल अभिजीत हैं उनके साथ है। और यहाँ पे जो लोकसभा में जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें जो पटना शहर की स्थिति है उनमें बीजेपी के, चाहे वो बांकीपुर हो या फिर इसके अलावा जो कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे बीजेपी से विधायक हैं, जबकि अगर बात करें उससे आगे तो कांग्रेस के विधायक हैं। तो इस 6 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आएंगे आपके पास और तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद है। तस्वीरें भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं लेकिन एक्सपर्ट्स का पैनल भी क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में, इसलिए उनका रुक करना भी जरूरी है। अनंत विजय जी, परिवारवाद क्या यहाँ पर जिक्र हो रहा था, आप क्या कहेंगे? मैं बड़ा हैरत में हूं कि लालू यादव को लोग विकास का प्रतीक, विकास पुरुष, टर्न अराउंड, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। उसी रेलवे के कन्विक्टेड हैं लालू यादव, चारा घोटा एकमात्र नेता है जो कन्विक्टेड है। मैं जोर देकर इस बात को कहना चाहता हूं कि लालू यादव सजा याफ्ता हैं, मुजरिम नहीं है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। लालू यादव प्रतीक है बिहार में गुंडागर्दी के, लालू यादव प्रतीक है बिहार में जंगल राज के। हाँ, सामाजिक न्याय उन्होंने किया, उनके इस योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सामाजिक न्याय के जो बाई प्रोडक्ट वो अपने साथ लेकर आए वो बिहार अब तक नहीं भूला। लेकिन अनंत विजय जी, 15 साल के शासन काल लालू जो है वो इतिहास है, तेजस्वी वर्तमान है। लालू हो सकता है तेजस्वी वर्तमान होंगे, तेजस्वी क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के बगैर कोई मंत्री नौकरी दे देगा? ये एक गढ़ा हुआ नैरेटिव है। मंत्रिमंडल हमारा लोकतंत्र, तो यानी आप कहना चाहते हैं कि लालू इतिहास है, तेजस्वी वर्तमान है लेकिन भविष्य नहीं है कुछ? अनुराग, भविष्य हो सकते हैं, भविष्य किसने देखा है, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी मेहनत कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि तेजस्वी अपने साथ आरजेडी के किसी नेता को लेकर नहीं चल रहे हैं। आप अगर अनुराग देखिए तो उनके चुनाव प्रचार में मुकेश सहनी के अलावा आपको कोई आरजेडी का अब्दुल बारी से वहां पर बिहार में, और मैंने तेजस्वी यादव को इंटरव्यू भी किया, तो मेरे जब वहां पर लोकल लोगों से बात हो रही थी, रिपोर्टर्स से अपने जी न्यूज के बात हो रही थी, प्रशांत मेरे साथ जुड़े भी हुए, तो उनका कहना था कि तेजस्वी यादव का ऐसा करिश्मा है कि वो अपने बल पर 2 से 2.5 लाख भीड़ एकत्रित कर लेते हैं। ये करिश्मा, इसको भी हमें मानना होगा कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव से इतर अपनी एक छवि बनाई है और जमीन पर अच्छी मेहनत की है। मुकेश, आप कुछ कहना? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि विकास पुरुष तो किसी ने नहीं कहा। जब आप उसको सिर्फ एक परिवारवाद का सबसे बड़ा, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बताते हैं, तो यह भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने सामाजिक बदलाव लाया तो कैसे लाया? क्या उनके लिए स्थितियां सामान्य थी? क्या भारतीय राजनीति में सामान्य बात थी? होता क्या है कि दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार होते रहते हैं, वो मीडिया में नहीं आते हैं, वो उनका सामान्यकरण हो चुका है, वो लगातार आपके करीब नहीं आने देते हैं, और अगर उनके बारे में एक भी शब्द अच्छा बोला जाता है तो लोगों को बहुत खराब लगता है। इस बात का क्रेडिट लालू यादव को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि लालू यादव उनकी तमाम बुराइयों के बीच अगर एक अच्छाई बता दें तो बर्दाश्त नहीं होती है। देती है या नहीं देती है? हमारे और आपके क्रेडिट देने से कुछ नहीं होता, जनता क्रेडिट देती है। तो लालू यादव के दौर को बिहार में महसूस और वो क्रेडिट वोट में बदलता है। क्रेडिट तो सारे लीडर्स को मिलना चाहिए, वो क्यों लालू यादव पर संग्राम शुरू हो गया? चलिए ठीक है, अच्छा दशक के शासन के बावजूद।